आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा हम लोग की संस्कृति है, बिहार का, यूपी का, पूर्वांचल का, जो इसमें जो है स्वच्छता अभियान जो है और लोग जो एक सभी लोग बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेते हैं। मैं भी उसका एक पार्ट हूं, लेकिन आज ड्यूटी पे हूं, इस वजह से मैं अपने परिवार के साथ मना नहीं पाया। ड्यूटी पे रहने के कारण हमारी यहीं पे किशनगढ़ में ही छठ पर मना रहे हैं। आप लोग को सिक्योरिटी के लिए और सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ तैनात किए हुए हैं। सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अगल बगल जब भी आप यहाँ से डिस्पर्स करें तो कई लोग क्या होते हैं, मिस्चीपियस लोग होते हैं, उससे भी अपना सुरक्षा रखें, बचाव रखें। कोई अगर माताएं या बहनें अगर कोई चैन वगैरह पहनी हो तो अपना सुरक्षा रखें। भीड़ में मोबाइल पर अपना ध्यान रखें, मोबाइल वगैरह का। आसपास सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, खास करके जब भी आप घर निकल रहे हैं तो अपना आराम से जाएं।
आसपास भी नजर रखे बनाए रखे। इसी शुभकामनाएं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई छठ पूजा का, और जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो तय की गई हमारे एसएचओ साहब किशनगढ़ की ओर से, उस रूपरेखा को बनाने में दोस्तों, हम आए लाड़ोसराय छठ के कार्यक्रम में, यहाँ छठ का आयोजन किया गया है, तो हम आयोजकों से बात करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम अवधेश झा है। अवधेश जी, छठ के पर्व का पहले आप महत्व बताइए मुझे। छठ पर्व सूर्य का पर्व है। सूर्य हमेशा प्रकृति के अनादिकाल से अंत काल तक इनका हम लोग वर्णन करते हैं, जिसमें सूर्य के जल चढ़ाते हैं, सूर्य के दूध चढ़ाते हैं। इसमें होता है जो छठी, जो छह दिन के बाद जो होता है सूर्य के आराधना किया जाता है। और हाँ बताइए। और सूर्य को हम लोग पूजा करते हैं, जिसमें तीन दिन इसका अखंड पूजा होता है और एक दिन आंशिक पूजा होता है, चार दिन। तो किस विधि के तहत इसको किया जाता है और इसमें किस किस वस्तुओं का, किन किन वस्तुओं का प्रयोग? इसमें टोटल प्रकृति संबंधी वस्तु से किया जाता है, जैसे ईख, गन्ना, अदरक, हल्दी, खीरा, टोटल जो प्रकृतिक फल है जो किसान पैदा करता है, किसान पैदा करता है, और ऋतु फल है, ऋतु के अनुसार जो फल है। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, मतलब कोई व्यवसायी नहीं है। जो आपको खेत में उपजे वही हम सूर्य को और अपना देवता को समर्पित करते हैं। धन्यवाद सर आपका। तो देवेंद्र जी, आप देवेंद्र सेजवाल जी हैं, आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं लाड़ोसराय से, तो मैं इनसे बात करूंगा। तो देवेंद्र जी, आप इस आयोजन को कितने वर्षों से कर रहे हैं लगातार? हम लगभग 15 साल से कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना काल में हमने इसको नहीं किया था, क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी थी। तो इस आयोजन के लिए किन किन लोगों का आप सहयोग लेते हैं? अब तो सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। पहले हम व्यक्तिगत रूप से, हमारी जो टीम है, हम मिलकर अपना खुद का स्वेच्छा से। तो ये जो आयोजन किया गया, हाँ, इसमें दिल्ली सरकार का सहयोग आपने लिया है? इसमें दिल्ली सरकार ने ये खुदाई कराई है, एमसीडी वाले आए, अपने आप ही लाइट लगा गए। डीसी साहब विजिट करने आए थे, उन्होंने डीसीडी वाले सुरक्षा के लिए भेज दिए थे। तो इसमें सरकार का सहयोग हमें मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार और जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम, सरकार के सहयोग से, जनता के द्वारा ये कार्यक्रम, जनता के द्वारा सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जा रहा है। तो आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम नीरज सिन्हा है, मैं एक अधिवक्ता हूँ। जी तो सर, आप कितने दिनों से दिल्ली में रहते हैं? मुझे 25 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। दिल्ली में रहते हुए 25 साल हो गए।
आप लाडोसराय में रहते हैं? नहीं, लाडोसराय में मैं अभी पिछले 2 साल से हूँ। अच्छा। लेकिन इसके पहले मैं पुष्प विहार में रहता था। पहले आप पुष्प विहार में रहते थे, तो पुष्प विहार में भी इन कार्यक्रमों का आयोजन? जी हाँ, बिल्कुल। पुष्प विहार में 7 जगहों पर अलग अलग सेक्टर्स में ये कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से होता है और मैं भी वहाँ का हिस्सा रहा हूँ। जी, तो ये जो आयोजन किया जा रहा है, जी इस आयोजन से आप संतुष्ट हैं? ये सही प्रकार से किया जा रहा है? जी बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लाडोसराय के ग्रामवासी हैं और RW है, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग हमें मिलता है और उनकी मदद के बिना ये कार्य संभव नहीं था, तो उनका भी बहुत प्रेम और सहयोग मिलता है। धन्यवाद श्रीमान जी। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा छठ मैया के पर्व के अवसर पे कि विश्व का एकमात्र ये ऐसा एक त्योहार है जो जिसमें हम डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें हम डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। तो ये एकमात्र त्योहार है विश्व में, हर कंट्रीज में लगभग बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बड़े गर्व की बात है। नहीं, देखिए, उठते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, इस त्योहार में डूबते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। जी बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या, तात्पर्य क्या, क्यों किया जाता है? इसका अर्थ ये है, हमें प्रकृति से प्रेम करना ये सिखा रहा है और इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई अस्त होता है तो उसका उदय भी निश्चित है। अगर कुछ अस्त हो रहा है तो उसका उदय भी निश्चित है, इसलिए हम किसी अस्त होते हुए चीज को ये ना समझ ले कि वो बिल्कुल समाप्त हो गया। प्रकृति जो है नए रूप में, आप नए रूप में पुनः वो फिर से आती है, तो ये हमारा महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहले तो श्रीमान आप अपना परिचय दीजिए मुझे। मेरा नाम बाल मिश्रा है, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से हूँ। तो मिश्रा जी, आप कितने समय से लाडोसराय में रहते हैं? मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए मुझे। 17-18 साल आपको लाडोसराय में हो गए? जी। 17-18 वर्षों में छठ की जो पूजा यहाँ की जाती है 15-16 वर्षों से, मुझे लगता है इसमें आपका हाथ है पूरा 15 वर्षों से लगा। नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि माननीय देवेंद्र जी, आपकी शरारत है कहने का, इनके सहयोग से, इनके सहयोग। देखिए, मेरा कोई शरारत नहीं है, पूजा में क्या शरारत हो? अगर पूजा में कोई राजनीति करता हो तो मैं समझता हूँ कि कोई राजनीतिक नहीं है। अच्छा। और हमारे पूर्वांचल में खास रूप माना जाता है कि पूजा में कोई राजनीतिक नहीं है, सब इक्वल है। सबसे बड़े यहाँ पे जो है सूर्य भगवान है, उनके शरणों में ही रहते हैं, कोई शरारत नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। 15 वर्षों में जो कार्यक्रम का आयोजन किया, धीरे धीरे इसमें कुछ वृद्धि हुई है या? बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन और अच्छे सहयोग, लोगों का भी अच्छे सहयोग और यहाँ भी लोग छठ के बारे में जानने लगे, हमारी सौभाग्य है, पहले कोई जानते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, हमारी भाषा को समझने लगे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लाडोसराय गाँव के अंदर बिहार की भाषा और बिहार के पर्व को हिट कर दिया। नहीं, हमारे बगल में माननीय देवेंद्र जी हैं, ये भी बिहार के, समझिए पूर्वांचल का है ये, कहने को जो सेजवाल साहब है, लेकिन कहने को जाट है, लेकिन जाट है नहीं, बिहार के, हमारे अपने पूर्वांचल के हैं, बिहार के हो गए। बिल्कुल हो गए जी, आधे 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 आधे, 50% आपने जो है छीन लिया। नहीं, देवेंद्र जी को छीन नहीं लिया, आप ही के हैं, ये हमारे ही हैं, पहले वो मेरे थे लेकिन अब हमारे हैं। अच्छा, हाँ, चलो जी, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। मुकेश जी आ जाओ, आप आ जाओ, नंबर आप आ जाओ यार। मुकेश जी, मैं इसको बनाऊंगा, पहले तो आप मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश सिंह चौहान है, स्माइल एंड केयर सोसाइटी NGO है, जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है और काफी सालों से हम लोग, लगभग 7-8 साल हो गए तब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और कितने समय से आप NGO चला रहे हैं अपने? 7 साल हो गए। 7 साल से आप NGO चला रहे हैं और 7 साल से ही इस कार्यक्रम में आप हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, अच्छा पहले तो आप ये बताइए, आपकी NGO काम क्या करती है? हेल्थ और एजुकेशन पे काम करती है। हेल्थ और एजुकेशन पे काम करती है, जैसे ब्लड। तो फिर छठ पूजा में हिस्सा आप किस प्रकार से ले रहे हैं? कल्चर प्रोग्राम का हमारा वो है कि कल्चर प्रोग्राम हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे यहाँ सभी प्रोग्राम आते हैं, समाज के हित में जो काम। ये जो फंड आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे करते हो सोसाइटी के लिए और कार्यक्रमों के लिए? पहले हमारा दिल्ली सरकार से सहयोग मिलता था और इस बार हमें दिल्ली सरकार से सहयोग नहीं मिला। अच्छा, नहीं, देवेंद्र जी ने कहा तो इस कार्यक्रम में सहयोग है। अच्छा, MCD से आपको सहयोग? ये लाइट लगा है। नहीं नहीं, वो बस नाम का सहयोग। दिल्ली सरकार से आपको कोई सहयोग नहीं दिया गया? जो कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उसमें आपका और ग्राम पंचायत का, या कहिए कि समाज का हिस्सेदारी, समाज की हिस्सेदारी है। चलो, धन्यवाद सर आपका। आओ सर,
परिचय दीजिए श्रीमान। मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर हुआ। संतोष कुमार ठाकुर जी, आप लाडोसराय में कितने समय से? लाडोसराय में हम करीब करीब 2002 से। 2002 से 20-22 साल से। मैं 20-22 साल से। आप क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। यही आसपास गुड़गांव वगैरह का? नहीं, मालवीय नगर के ही। तो सर, इस कार्यक्रम से कैसे जुड़े आप? यहाँ के जितने भी भाई बंधु हैं, उल्लास और खुशी के साथ में छठ मैया की पूजा धूमधाम से करते हैं और उसमें मैं भाग लेने के लिए आता हूँ। मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन देखने के लिए जरूर मैं आता हूँ। जो देखने के लिए आते हैं या जो हाथ उठाते हैं, भगवान भास्कर सबको खुशी जीवन प्रदान करते हैं। आपका कहने का अर्थ ये है कि गांव के लोगों का प्यार आपको खींच कर लेके आता है? गांव का लोगों को प्यार, जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनका भी प्यार, पूरे समाज का प्यार, गांव का प्यार। प्यार तो प्यार होता है, ऊपर वाले की कृपा से सब आनंद खुशीमय जीवन बीत देते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको चांद जी परिचय दीजिए। मेरा नाम है सर चांद खान। अच्छा। मैं जी चांद खान जी सर, लेकिन मैं लाडोसराय में ही रहता हूँ। RWA लाडोसराय, जन साई फाउंडेशन। कोरोना काल हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, ये हमेशा किसी से मदद नहीं मांगते हैं। जैसे आज ये भव्य देख आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम, ये जो है 2-4 आदमियों से चला था, लेकिन आज छठ मैया की वो कृपा है कि ये पर्व हमारा बिहार से उठ के ओल्ड में मनाया जा रहा है। तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। मुझसे कोई भी बोलता है फोन पे, अगर कोई मुझसे बात करता, भैया मैं अंतरराष्ट्रीय पर्व में बिजी हूँ, मुझे यार छुट्टी दे दो 2-4 दिन की। अच्छा। ये ऐसे हैं, कोरोना काल हो या लॉकडाउन हो, जन साई फाउंडेशन ने और इन्होंने मिलकर इतना मेहनत किया कि लोग आते थे और खुद ही कहते थे भाई इसमें मेरे भी सेवा करवा ले यार। आप आज यही पर इसी ग्राउंड में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो भैया की मेहनत से और मिश्रा जी की मेहनत से 2-4 आदमी आए थे। आज छठ भैया की कृपा देखिए और आपके सामने है, और आने वाले दिनों में देखना यहाँ का क्या मामला होगा। जी जी जी। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अपना जो नाम बताया, जी सर, आप मुस्लिम धर्म से संबंधित? ना, मैं हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल हिंदुस्तानी हूँ। आप हिंदुस्तानी हैं, जो देश और धर्म के लिए बहुत अच्छी बात आगे मिलूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। जी, लेकिन वर्तमान में जो माहौल है देश का, जी, कुछ लोग जो है राजनीति कारणों से, राजनीतिक कारणों से, जी सर, देश में जो जहर घोल रहे हैं, जी सर, दो धर्मों के बीच में, जी सर, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं सबसे पहले छठ घाट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपका तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझसे ऐसा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई नाजायज परेशान किया जा रहा हो तो हमको बताइए। दलाल, मक्कार, बरेबी, लूटने वाले, खसूटने वाले, वो परेशान है। मैं कोरोना काल में यहाँ इतना परेशान हुआ, लेकिन ये महान हस्ती ये जो खड़े हैं, हमको लगने ही नहीं दिया कि यार यहाँ कोरोना चल रहा है, तो मैं तो नहीं परेशान हूँ भाई। दूसरे की भला सोचो, तुम्हारा भला होगा, और जब अपना पेट भरोगे तो भगवान तुम्हें लात मार देगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। अरे सर, ये भी महान लोगों की हुआ है जिनकी सेवा में हमें भी कुछ फल मिल रहा है सर। तो दोस्तों, हमने यहाँ के आयोजकों से बात की, लोगों से बात की, और एक भाई हमें ऐसे भी मिले जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, उनके जो विचार हमने जाने। तो हमें लगता है कि यह जो कार्यक्रम, इसका आयोजन किया गया है, यह लगभग सफलता के नजदीक है। यदि इसी प्रकार से सर्वधर्म लोग, जो सभी धर्मों के लोग यहाँ सम्मिलित होने के लिए आएंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि यहाँ पर हमें हरा और भगवा दोनों ही झंडे एक साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए लाडोसराय से हरनाम सिंह, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।